यूपीएससी सीएससी 2023 का प्रवेश पत्र जारी। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2023 मई 15 के बाद। नीट यूजी आंसर की 2023 जून 22 तक। यह है इस न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें। स्वागत करता हूं आपका विद्या लाइव के न्यूज बुलेटिन पर। विद्या लाइव आपको शिक्षा जगत से अपडेट रखता है, बस आप विद्या लाइव को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं हूं कुमार विजेंद्र। अब खबरें विस्तार से। यूपीएससी सीएससी 2023 का प्रवेश पत्र जारी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर अपना यूपीएससी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ख्याल रहे, यूपीएससी 28 मई को ऑफलाइन मोड में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन करेगा। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2023 मई 15 के बाद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से सीबीएसई कक्षा 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट 15 मई के बाद घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी रिजल्ट से संबंधित लेटेस्ट जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नीट यूजी आंसर की 2023 जून 22 तक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2023 का आयोजन 7 मई 2023 को किया गया। इस बार मेडिकल, डेंटल और आयुष स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2023 के लिए रिकॉर्ड 20,87,449 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। परीक्षा के आयोजन के बाद एनटीए द्वारा अब प्रोविजनल नीट यूजी आंसर की 2023 जारी किए जाएंगे और उम्मीदवारों से उनकी आपत्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। इन आपत्तियों की समीक्षा के बाद एनटीए नीट यूजी रिजल्ट 2023 की घोषणा करेगा। नीट यूजी आंसर की 2023 को 22 जून और रिजल्ट 27 जून तक एनटीए कर सकता है। उम्मीदवार नीट यूजी पोर्टल neet.nta.nic.in और एनटीए की वेबसाइट nta.ac.in पर समय समय पर विजिट करते रहें। दोस्तों, यह तो थी आज के न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें और विस्तार। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या विद्या लाइव की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalive.com पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।